नमस्कार, मैं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कटेरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर खुलेआम दिन दहाड़े होता है बालू खनन। प्रदेश सरकार झांसी जिले के अवैध खनन को रोकने के लिए कई बार निर्देश दे चुकी है, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। थाना स्तर पर अवैध खनन रोकने के लिए कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन बालू माफियाओं को इन फालतू अभियानों का तनिक भी भय नहीं है। थानों पर बालू खनन खुलेआम होता है, क्योंकि न इन्हें कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है, कार्रवाई हमेशा जीरो रहती है। कटेरा थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं पर पुलिस और शासन प्रशासन का कोई कार्रवाई न करना बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। मऊरानीपुर तहसील के कटेरा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटकुआ स्थित नदी से बालू का अवैध खनन बहुत ही जोरों से चल रहा है। बालू माफिया दिन दहाड़े यहाँ अवैध खनन करते हैं और यहाँ के रोडों पर बालू से भरे ट्रैक्टर फुल स्पीड में फर्राटा भरते दिख जाते हैं। शासन प्रशासन को इनका तनिक भी भय नहीं है। पटगुआ गांव की नदी बालू माफियों का प्रमुख अड्डा है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बालू का खनन होता है। बालू माफिया दिन भर खनन करते हैं और कटेरा थाने की पुलिस का पटगुआ गांव की तरफ न आना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। अब देखना यह है कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इन बातों की हवा थाना स्तरों पर निकल जाती है। कटेरा थाने की पुलिस अवैध बालू पर कब कार्रवाई करती है और बालू माफियाओं पर कब लगाम लगाती है? बंगरा से मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।